हे गाइस, ट्रैक्सर्स की एक और कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो यार, ये है ट्रैक्सर्स ब्रॉन्को TRX 4। भाई साहब देखो, इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि देखो यहाँ पे घोड़े का सिंबल भी दिया गया। इससे पता चलता है कि ट्रैक्सर्स ब्रॉन्को कितनी ज्यादा पावरफुल RC कार। इसको मैंने 80,000 रुपीस में खरीदा है। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ये कार्स को मैं कहाँ से खरीदता हूँ। चलो आज आपको बता भी देता हूँ। ये रहा वेबसाइट hobbycentral.co.in। ये वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे आपको सभी कार्स के जो प्राइसेस है इंडियन रुपीस में दिखाई देगी। कहाँ पे अपनी ट्रैक्सर्स ब्रॉन्को, एक बार इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही गाइस, देखो ट्रैक्सर्स TRX 4 1:10 फोर्ड ब्रॉन्को है। यहाँ से अगर आप इसको एड टू कार्ट करोगे ना तो ये होगी नहीं, क्योंकि ये कार्स को USA से मंगवाना पड़ता है। इस वजह से पहले पेमेंट करनी पड़ती है गाइस, तो पहले प्री ऑर्डर आपको करना पड़ता है, तब जाकर ये कार आपको 10 से 12 दिन के बाद में मिलेगी। प्राइस देख लो, 78,500 रुपीस दिखा रहा है। अगर आप इसके अंदर कुरियर चार्जेस भी एड कर दो ना, तो आपको तकरीबन ये कार 80,000 रुपीस में मिलेगी। आपको नहीं लगता इंडिया में शायद किसी और के पास भी ट्रैक्सर्स ब्रॉन्को होगी? आज देखते हैं गाइस, क्या ये कार सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यार इसके मेरे को 80,000 रुपीस पे करने पड़े। यहाँ पे रख के इनको अनबॉक्स करते हैं। अब फटाफट से सबसे पहले अनबॉक्स में करने वाला हूँ ट्रैक्सर्स ब्रॉन्को को। आज इसके साथ फाइट कराने के लिए बहुत सारी कार्स में लेके आ चुका हूँ, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है WL टॉयज की एक बहुत ही खतरनाक वाली कार। ये दिखने में डेजर्ट कार जैसी दिखाई देती है। इसका मॉडल नंबर है 12427B। एक और कार भी लेके आया हूँ गाइस, ये देखो यार, ये है TRX 4 की कॉपी, और ये है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट मून बग्गी RC कार। इसको मैंने खुद बनाया यार। इसके व्हील्स देखो गाइस, इतने ज्यादा कमाल के होते हैं। ओके, अब अनबॉक्स करते हैं ट्रैक्सर्स ब्रॉन्को को। रियल वाली फोर्ड ब्रॉन्को जो है ना गाइस, बहुत ज्यादा पावरफुल कार है, तो उसी के ऊपर, उसी से इंस्पायर होके ये ब्रॉन्को को बनाया गया है, और ये ऑफिशियल लाइसेंस्ड फोर्ड ब्रॉन्को RC कार है। यहाँ पे ब्रॉन्को की ब्रांडिंग दी गई है, TRX 4 की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी मिलते हैं। कलर्स दिखाने से पहले मैं आपको इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, कितने ढेर सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। भाई साहब, मैंने तो आज तक कोई भी ट्रैक्सर्स कार के अंदर इतने ढेर सारे फीचर्स बिल्कुल भी नहीं देखे। इसके अंदर न्यू क्लिपलेस बॉडी माउंटिंग सिस्टम भी दिया गया, यानी कि इसकी बॉडी के ऊपर आपको बार बार पिंस लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि क्लिपलेस डिजाइन इसको बनाया गया है। और इस तरह के व्हील्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो अभी मैं आपको कलर्स दिखा देता हूँ, इसके अंदर कितने अलग अलग कलर्स मिलते हैं। ये देख लो गाइस, इतने ढेर सारे कलर्स हैं इसके अंदर। मैंने तो यार व्हाइट कलर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई किया था, पर मेरे को ये मिली नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। फाइनली मैंने ये साइबर ऑरेंज को खरीद लिया है। चलो गाइस, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। उससे पहले, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। बॉक्स को यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिमोट है। ऊपर देखो, डिफरेंशियल लॉक का सिस्टम भी दिया गया है। यहाँ पे दो बटन्स है मेन्यू और सेट के लिए, दो नॉब्स है। ये इसका गियर सिस्टम है, फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग दी गई है। नीचे की तरफ 4 AA बैटरीज डालनी पड़ती है इसके अंदर। चलो अभी निकालते हैं ट्रैक्सर्स ब्रॉन्को को। ओ भाई साहब, क्या ही खतरनाक दिखाई दे रही है यार ये कलर में। मेरे को लगा था कि व्हाइट कलर बहुत तगड़ा दिखेगा, पर ये कलर भी कुछ कम है ना यार। तो इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है ये पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके साथ बहुत सारे पेपर्स मिले हैं, इसकी यूजर गाइड मिली है, कुछ टूल्स वगैरह है, बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह भी इसके साथ दिए गए हैं। तो स्टिकर्स मैंने अभी तक इसके ऊपर चिपकाए नहीं है, तो स्टिकर्स भी चिपका दूंगा। तो इसके अंदर हम लोगों को यूज करनी पड़ती है 3S वाली बैटरी। बैटरी इसके साथ नहीं मिलती है गाइस, बैटरी अलग से खरीदनी पड़ती है। तो अभी इसके ऊपर जो पन्नी है ये मैं हटा देता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर स्टिकर्स लगाऊंगा, फिर देखते हैं गाइस ये कितनी खतरनाक दिखाई देती है। ओ हो 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 हो, ओ भाई साहब, इसका कलर देखो यार, क्या ही चमचमारा है। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर विंच भी फिट कर सकते हैं, मैंने एक विंच भी मंगवाया है इसके ऊपर, या फिर ट्रैक्सर्स डिफेंडर के ऊपर आपको फिट करके भी बताने वाला हूँ। ऊपर की तरफ एक और यहाँ पे पन्नी है, इसको भी हटा देते हैं। ओह माय गॉड, इसकी छत देखो यार, कितनी ज़्यादा चमचमा रही है। तो इसके मिरर्स को खोल देते हैं। ओह माय गॉड, काफ़ी तगड़े वाले मिरर्स इसके अंदर दिए गए। अब इसका साइज़ मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ कि ये कार कितनी ज़्यादा बड़े साइज़ की है। ओह माय गॉड, दिखने में पूरी की पूरी रियल
फोर्ड ब्रोंको जैसी ही ये दिखाई दे रही है। मजा आ गया गाइस इसको देख के। भाई साहब की जो कलर की क्वालिटी है ना, मैंने आज तक कोई भी ट्रैक्सेस की कार के अंदर नहीं देखी है। देखो धूप गिरने पर इसके ऊपर इस तरह से ये चमचमा रही है। बाकी अब इसको मैं एकदम आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, सामने की तरफ विंच लग जाएगा, आने वाले दिनों में मैं जरूर से लगा दूंगा। यहाँ पे इसकी हेडलाइट है, सामने का बम्पर बहुत ज्यादा टफ है, नीचे की तरफ इस तरह की हुक्स वगैरह भी इसके अंदर दी गई है। नीचे देखो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए इस तरह की एक चैसिस भी यहाँ पे लगाई गई है। व्हील्स की बात करूँ तो व्हील्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं गाइस, बहुत ही अच्छे व्हील्स हैं। अंदर की तरफ इस तरह का रिम दिया गया है। यहाँ पे देखो इस तरह का फुट रेस्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे डोर हैंडल्स भी इसके अंदर दिए गए। मिरर्स की क्वालिटी सच में गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा कमाल की लगी। इतने टफ मिरर्स मैंने आज तक कोई भी कार के अंदर नहीं देखे हैं। पीछे की तरफ से देखो ये इस तरह की दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हील दिया गया, यहाँ पे टेल लाइट है, यहाँ पे भी डोर हैंडल दिया गया। TRX 4 की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा बम्पर है। यहाँ पे देखो फोर्ड की ब्रांडिंग भी दी गई है। इसकी सबसे खतरनाक चीज मेरे को लगती है गाइस इसकी छत। देखो यार छत से लेकर साइड के ग्लासेस तक एकदम प्योर ब्लैक कलर इन लोगों ने कर रखा है। इस वजह से भाई ये बहुत ज़्यादा कमाल का लुक इसके अंदर आ रहा है। पर सामने की तरफ भी ये लोगों को ब्लैक कलर देना चाहिए था यार। यहाँ पे देखो एकदम ट्रांसपेरेंट कलर दे रखा है। और ये इसके वाइपर्स है, वाइपर्स भी ठीक ठाक क्वालिटी के मेरे को लग रहे हैं। मडगार्ड और टायर के बीच में देखो बहुत ज्यादा गैप ये कार के अंदर दिया गया है। मैंने तो आज तक डिफेंडर के अंदर भी इतना ज्यादा गैप नहीं देखा यार। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस देखो गाइस, बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस दी गई है। सामने की तरफ से तो और भी ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस ये कार के अंदर देखने को मिलती है। ये हेडलाइट काम नहीं करती है गाइस, इसके हेडलाइट का सेट अलग से खरीदना पड़ता है, वो भी मैं इसके अंदर जरूर से अपग्रेड करूंगा। यहाँ पे ब्रोंको की बैचिंग वगैरह दी गई है। तो ओवरऑल कार काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। बाकी अनबॉक्स करते हैं WL Toys 12427B मॉडल RC कार को। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। 1:12 स्केल मॉडल पे बनाई गई है। ट्रैक्सेस ब्रोंको 1:10 स्केल मॉडल पे बनाई गई है। देखते हैं गाइस आज दोनों के बीच में फाइट करा के दोनों में से कौन जीतता है। तो देखते हैं इसको अनबॉक्स करके। यहाँ से ये कार का प्राइस है लगभग 25,000 रुपीस। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो WL Toys 12427B को भी खरीद सकते हो। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है। ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस रिमोट है गाइस, क्योंकि ऊपर की तरफ देखो इस तरह का डिस्प्ले भी ये रिमोट के साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी स्पीड वगैरह देख सकते हो, बैटरी का वोल्टेज वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। ये इसकी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग आप जितना टर्न करोगे यहाँ पे भी देखो उसका परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। तो इसको रखते हैं साइड में। अब निकालते हैं गाइस हमारी WL Toys RC कार को। ये कार एक्चुअली एक ऑफ रोडर RC कार है, इस वजह से देखो इसका लुक काफी ज्यादा डिफरेंट बनाया गया है। मेरे को तो लगता है गाइस ये एक डेजर्ट बग्गी RC कार है। ओ भाई साहब, अंदर की तरफ एक राइडर भी बैठा हुआ है ब्लैक कलर में, बहुत ही ज्यादा गजब की यह दिखाई दे रही है। दिखने में भी ये बहुत ज्यादा यूनिक है। सामने की तरफ इस तरफ डुअल हेडलाइट है, इस तरफ डुअल हेडलाइट दी गई है इसके अंदर। नीचे मेटल की प्लेटिंग भी दी गई है ताकि इसको स्क्रैचेस वगैरह ना लग सके। इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा बड़े साइज के होते हैं और इसके अंदर वर्टिकल टाइप सस्पेंशन लगाए गए। पीछे की तरफ से ये इस तरह की दिखाई देती है। यहाँ पे इसकी टेल लाइट है और ये काम भी करती है गाइस। और ये कार भी कम्प्लीटली 4-व्हील ड्राइव है। आप चाहे तो इसको कीचड़ में, पानी में या फिर गाइस आप इसको डेजर्ट में भी चला सकते हो। तो ये कार के जो सामने का सस्पेंशन है बहुत ही अलग पोजिशन में लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यार इसकी पोजीशन जो है थोड़ा सा स्ट्रेट इन लोगों ने रखा है यहाँ पे। तो इस वजह से ये कार जो है ऑफ रोड में बहुत अच्छे तरीके से चल सकती है। बहुत ही स्मूथ टाइप सस्पेंशन इसके अंदर दिया गया। इसका भी सस्पेंशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ओ भाई इसका तो भाई मक्खन की जैसा है सस्पेंशन। तो इस वजह से गाइस ट्रैक्सेस की जितनी भी कार्स होती है ऑफ रोड में भाई एक नंबर तरीके से चलती है। तो ये डिफेंडर की कॉपी है, मेरे पास ट्रैक्सेस की TRX 4 डिफेंडर भी है। मैंने उसके साथ इसकी फाइट भी कराई थी। इसके बराबर वाली कार मेरे को लग रही है, क्योंकि दोनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस मेरे को लग नहीं रहा है। जस्ट यहाँ पे टायर्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को लग रहा है। ये देखो इसके टायर्स काफी ज्यादा बड़े साइज के, इसके टायर्स थोड़े से छोटे हैं और इसके मुकाबले में इसकी हाइट भी जो है थोड़ी सी ज्यादा ही है। तो अब इसकी साइड में रखते हैं डेजर्ट बग्गी RC कार को। यहाँ पे दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम टू सेम है और यहाँ पे देखो यार मून बग्गी RC कार के व्हील्स इससे भी ज्यादा बड़े साइज के और इसके ऊपर ग्रिप भी ब्रोंको के मुकाबले में काफी ज्यादा दी गई है। ये कार बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑफ रोड चलने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो गाइस सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये सभी कार्स के बीच में फाइट मैं पार्ट 2 वाली वीडियो में कराने वाला हूँ गाइस, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है। देखते हैं ब्रोंको इन सभी को हरा पाती है या नहीं, क्योंकि ब्रोंको एक बहुत ज्यादा पावरफुल RC कार है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी कार्स को परचेस करके रखा हुआ है ये वेबसाइट से, चलो वो भी आज आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये रही जीप ग्लैडिएटर, ये भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत
बहुत ही ज्यादा खतरनाक कार है। ये तो पता होगा ये कार्स मेरे पास ऑलरेडी है, आर्मा फायर टीम 6 है, डिफेंडर भी मेरे पास है, और ये वाली जो ब्लैक कलर की कार है ना यार, इसको भी मैंने खरीद रखा है, ये भी मेरे पास 3-4 दिनों में आ जाएगी। इसका नाम है ट्रैक्सेस हाई ट्रेल क्रॉलर। अब एक बार ट्रैक्सेस के वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ नई वाली कार्स आई है या फिर नहीं। ये आ चुका हूं मैं ट्रैक्सेस की वेबसाइट में, यहाँ पे कुछ तो नया मेरे को लग रहा है गाइस, ये प्रो क्वालिटी आरसी बैकपैक ब्रॉन्को शायद छोटे वर्जन में भी लॉन्च हो चुकी है। अपने पास जो ब्रॉन्को है वो बड़ी वाली है 1:10 स्केल मॉडल की। अच्छा, ब्रॉन्को के ऊपर लगाने के लिए बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि इसका बॉडी शेल भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो कितने ढेर सारे अलग अलग कलर्स के बॉडी शेल यहाँ पे दिए गए। अच्छा, अब मेरे को समझ में आया, ब्रॉन्को का छोटा भाई भी आ चुका है मार्केट के अंदर। ये देखो, ये इतनी छोटी होती है कि यार स्कूल के बैग में भी आप इसे डाल सकते हो। ओ भाई, ये देखो यार, इतनी छोटी सी कार इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे चल रही है। आप सोचो गाइस, अपने पास जो फोर्ड ब्रॉन्को है वो 1:10 स्केल मॉडल की है, वो इससे बहुत ज्यादा बड़े साइज की है, वो कार कहां कहां पर चढ़ सकती है। आने वाली वीडियो एकदम धमाकेदार और कमाल की होने वाली है। तो चलो गाइस, अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है शौनक, रितेश, जशन, प्रज्वल, माशीर, आवाश, राहुल, तलहा, राकेश, नवीन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।